हाय गाइस, आज मैं छोले बनाऊंगी। फाइबर से भरपूर छोले को काबली चने के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हार्ट से जुड़ी सारी बीमारियों को दूर रखते हैं। मैंने हाफ के जी छोले को पानी में भिगोकर बॉईल करके रखा हुआ है एक बॉल में। अब मैं कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी हूँ और फ्लेम ऑन कर रही हूँ। ये कढ़ाई गर्म हो रहा है और ये गर्म हो चुका है। 2 बड़े टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसमें और अब तेल भी गर्म हो रहा है। 2 तेजपत्र मैं इसमें डालूंगी। देखिए, तेजपत्र ऐड कर रही हूँ और 1 बड़ा कटोरा जो मैंने स्लाइस में प्याज काट कर रखा हुआ है, 2 बड़े आकार के प्याज, वो भी मैंने डाल दिया है और इसे फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो रहा है देखिए, और थोड़ी देर फ्राई करना है। बहुत ज्यादा भी इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा गोल्डन ब्राउन होगा वो। अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक मुझे प्याज को फ्राई करना है, क्योंकि प्याज फ्राई हो रहा है धीरे धीरे। प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन, हो चुका है प्याज। अब इसमें मैं जो छोले बॉईल करके रखे थे उसे ऐड कर रही हूँ। छोले को मैं फ्राई करूंगी, 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है। अभी फ्लेम तेज ही रहेगा और 5 मिनट तक तेज फ्लेम पे हमें फ्राई करना है इसे। तेजी रहे, देखिए फ्राई हो रहा है और 5 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए ये फ्राई हो चुका है। थोड़ी देर और मैं चलाऊंगी इसे। ये करीब करीब हो ही चुका है, अब इसमें मसाले ऐड करूंगी। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और हमने मसाले जो ऐड किए हुए हैं इसमें 1 इंच जिंजर है और 1 टीस्पून जीरा है और 1/2 टीस्पून गोल मिर्च है और ये पेस्ट को मैं डालकर फ्राई कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी मैंने डाला है इसमें और अब देखिए नमक स्वाद के अनुसार। लाल मिर्ची पाउडर है 1/2 टीस्पून, आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं। मैंने बस हाँ थोड़े से और मैंने डाल दिए ऊपर से। और ये है धनिया पाउडर, भुने हुए धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और अब मैं गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून गर्म मसाला है, अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब मैं देखिए अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करके धीरे धीरे स्लो आंच पे। अभी जो है फ्लेम को मैं कम कर रही हूँ और कम कर स्लो, देखिए हो चुका है। और इसमें मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड किया हुआ है 1 टेबलस्पून, 1 बड़ा टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी है और अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर और फ्राई करना है। थोड़े से आप पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले जले नहीं। करीब करीब ये मसाले हो चुके हैं, अच्छी तरह से ये भून चुके हैं। बस इसमें अब मैं पानी ऐड करूंगी। देखिए 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया पैन में, थोड़े से और डाल दिए। और देखिए अब थोड़ी देर ये इससे पकेगा और मैंने इस पे कवर चढ़ा दिया है, गैस को फुल कर दिया मैंने। अब देखिए ये खोल रहा है, 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकेगा। देखिए अच्छी तरह खोल रहा है और ये हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, छोले हो चुके हैं
अब इसे मैं एक सर्विंग बॉल में डालूंगी। देखिए बिल्कुल छोले अच्छी तरह गल चुके हैं और अब इसे मैं एक सर्विंग बॉल में डाल रही हूँ। काफी ये सेहतमंद छोला है। देखिए मैं इसे हरी मिर्च से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, अगर धनिया का पत्ता है वो भी ऐड कर सकते हैं। काफी ये हेल्दी छोला है। ये बहुत ही कम मसाले और ऑयल में बना हुआ छोला है। काफी हेल्दी रेसिपी है ये। आपको अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो।